सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां सर्वेषां स्वागतमस्ति। संस्कृत विषयांतर्गतं अद्य वयं अष्टम्याः कक्षायाः चतुर्दशः पाठः नीति नवनीतम् इति पाठस्य द्वितीयं भागं पठामः। प्रिय छात्रों, आपने नीति नवनीतम् पाठ के प्रथम कुछ श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। आज हम उस पाठ के बचे हुए श्लोकों का अध्ययन करेंगे। नीति नवनीतम इस पद का अर्थ समझना आवश्यक है, क्योंकि इन श्लोकों में जो बात बताई गई है वे हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये श्लोक हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। नीति का तात्पर्य होता है नियम, और कैसे नियम? नैतिकता युक्त नियम, जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। और नवनीतम, नवनीतम कहते हैं मक्खन को। मक्खन किस प्रक्रिया से बनता है आप सभी जानते हैं। दूध से दही का निर्माण होता है, और दही को मथने पर मक्खन निकलता है, अर्थात दूध का सार तत्व है। वैसे ही हमारे शास्त्रों में जो नैतिकता की बात बताई गई है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस सारी नैतिकता से युक्त बातों से जो सार निकाला गया है, उन सार रूपी श्लोकों को हमारे पाठ्य पुस्तक में स्थान दिया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कामं क्रोधं तथा लोभं स्वादं श्रृंगार कौतुके अति निद्रामति सेवां च विद्यार्थी ह्यष्ट वर्जये। बच्चों, आप भी श्लोकों का गायन करने का अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि श्लोकों को जब गाते हैं तो बड़ा ही आनंद की प्राप्ति होती है। एक एक शब्दों के अर्थ देखते हैं। कामम, कामम का मतलब होता है कामना, इच्छा। क्रोधम, क्रोध, क्रोध का तात्पर्य गुस्सा, क्रोध। तथा लोभम, लोभ। स्वादम, स्वाद, अर्थात हम कोई भी पदार्थ को खाते हैं तो उसमें हम स्वाद लेते हैं ना, है ना, तो वो स्वाद। श्रृंगार, श्रृंगार का मतलब सजना सवरना। कौतुक, कौतुक का तात्पर्य होता है खेल। अति निद्रा, अति माने अत्यधिक, निद्रा माने निद्रा, अत्यधिक सोना, शयन करना। अति सेवा, अति सेवा का तात्पर्य होता है अत्यधिक आनंद। च, और विद्यार्थी, विद्यार्थी को ही निश्चय ही अष्ट, इन आठों को वर्जये, त्यागना चाहिए। अर्थात इस श्लोक में बताया अत्यधिक कामना करना। कामना का तात्पर्य होता है कि मन को अपने वश में नहीं रखना, मन का भागते रहना, क्रोध करना, लोभ करना, लालच करना, स्वाद, जीभ को अपने वश में नहीं रखना, और श्रृंगार और खेल, तथा अत्यधिक निद्रा, सोना और आनंद। ये आठ विद्या अध्ययन के लिए क्या होते हैं? बाधक होते हैं। इन आठ कार्यों को यदि आप करते रहेंगे तो आप विद्या अध्ययन करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। इसलिए विद्यार्थी को इन आठों का त्याग कर देना चाहिए। देखिए, अब इसको हम यदि जोड़ते हैं तो कामनाओं का विद्या से क्या संबंध? तो विद्यार्थी को प्रतिपल विद्या अध्ययन के विषय में चिंतन करना चाहिए। यदि वो नाना प्रकार की कामनाओं के पीछे भागेगा तो वो विद्या अध्ययन नहीं कर सकता। यदि वो क्रोध करेगा तो क्रोध करने वाला विद्यार्थी का मन और बुद्धि एकाग्र नहीं होगा और वो विद्या अध्ययन नहीं कर सकता। यदि वो स्वाद के पीछे भागेगा तो उसके मन में हमेशा अच्छे अच्छे चीजों को खाने के बारे में ही वो सोचेगा, पढ़ाई के बारे में नहीं सोच सकता। यदि वो जरूरत से ज्यादा सोएगा तो भी वो विद्या अध्ययन के बारे में नहीं सोच सकता। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, श्रृंगार, यदि वो सजना सवरना, सजने सवरने के बारे में विचार करेगा तो वो विद्या अध्ययन नहीं कर सकता। खेल में खेल खेलना जरूरी है, पल खेल में यदि वो लीन हो जाएगा तो वो विद्या अध्ययन
नहीं कर सकता और अति आनंद को खोजेगा, अति आनंद के पीछे भागेगा तो वो विद्या अध्ययन नहीं कर सकता। इसलिए इस श्लोक में ये जो आठ बातें बताई गई हैं, इन आठों का त्याग करना चाहिए। किनको? विद्यार्थियों को, क्योंकि इन आठ का त्याग करने से ही विद्या की प्राप्ति होती है। विद्या प्राप्त करना आसान कार्य नहीं होता है। देखिए इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनको देखते हैं। श्रृंगार, सजना, सवरना, कौतुक, खेल, अति सेवा, अति आनंद। अगला श्लोक देखते हैं। वरम प्राण परित्यागो मान भंगे न जीवनात्, प्राण त्यागे क्षणम दुखम मान भंगे दिने दिने। वरम, वरम का मतलब स्वीकार्य है, मुझे स्वीकार्य है। प्राण मतलब प्राण, परित्यागो प्राण त्याग देना स्वीकार्य है। मान भंगेन, मान भंग अर्थात सम्मान, मान सम्मान के नष्ट होने से, जीवनात जीवन से, ये जीवन शब्द में पंचमी विभक्ति है, जीवन से। प्राण त्यागे, प्राण त्यागने पर, क्षणम एक क्षण, दुखम दुख होता है, मान भंगे और मान के भंग होने पर, सम्मान के भंग होने पर, दिने दिने प्रत्येक दिन, ये एक एक शब्दों का अर्थ हुआ। अब इस श्लोक के भाव को हम देखते हैं। कवि इस श्लोक के माध्यम से ये कह रहे हैं कि वरम प्राण परित्यागो, मुझे प्राण त्यागना स्वीकार्य है, मैं प्राण त्यागने के लिए तैयार हूँ, परंतु मान भंग जीवन जीना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे जीवन में जो सम्मान है, जो मान है, उसको मैं तोड़ करके जीना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि प्राण त्यागे क्षणम दुखम, प्राण त्यागने पर केवल एक क्षण ही दुख की प्राप्ति होगी, केवल एक क्षण ही कष्ट की प्राप्ति होगी, कुछ समय ही, बहुत कम समय ही कष्ट मिलेगा, परंतु सम्मान के नष्ट हो जाने पर, मान सम्मान के नष्ट होने पर और जीवित रहे तो प्रतिदिन प्रतिपल कष्ट भोगना पड़ता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मान सम्मान को खो देता है उस व्यक्ति को पल पल, क्षण क्षण, प्रतिदिन कष्ट भोगना पड़ता है, क्योंकि कहीं न कहीं कोई न कोई व्यक्ति उसके मान सम्मान से संबंधित उसके पास बात रख देता है, जो सुनने के पश्चात उसे कष्ट ही प्राप्त होता है। इसलिए कवि यहाँ कह रहे हैं कि मैं प्राण त्यागना स्वीकार करता हूँ, परंतु बिना सम्मान के जीना मैं स्वीकार नहीं कर सकता। इसमें जो शब्दार्थ हैं उनको देखते हैं। वरम, वरम का मतलब होता है श्रेष्ठ है, स्वीकार्य है। प्राण परित्यागे, मृत्यु प्राण त्यागने पर, मान भंगेन अपमानित होने से, जीवनात जीवन से। अगला श्लोक देखते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे दुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य, प्रिय वाक्य का तात्पर्य मीठा वाक्य, मधुर वाक्य। प्रदानेन, प्रदान का मतलब होता है देना। सर्वे सभी, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, जन्तवः प्राणी, तस्मात् इसलिए, तद एव उसी को, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने वचन में, मीठे वचन बोलने में, का क्या, दरिद्रता गरीबी, एक एक शब्दों का अर्थ हुआ। अब इसके भाव को देखते हैं। प्रिय वाक्य प्रदान करने से अर्थात मीठे वचन बोलने से सर्वे जनतवः सभी प्राणी तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं। आपने देखा है ना कि हम बहुत प्रेम पूर्वक यदि किसी प्राणी को पुकारते हैं तो वो हम पर भरोसा कर हमारे नजदीक आ जाते हैं। जिस प्रकार से हम मीठे वचन जब बोलते हैं तो हमारे आसपास में विद्यमान सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, क्योंकि मीठे वचन से सबको आनंद की प्राप्ति होती है। और इसीलिए यहाँ कवि
कह रहे हैं कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी प्राणी मीठे वचन से प्रभावित होते हैं, संतुष्ट होते हैं, आनंदित होते हैं। तस्मात् इसलिए तदेव, तदेव का तात्पर्य मीठे वचन से है। इसलिए हमेशा मनुष्य को मीठे वचन वक्तव्यम बोलना चाहिए, मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। वचने क्या दरिद्रता, वचने मीठे वचन बोलने में क्या गरीबी दिखाना, क्यों गरीबी दिखाना, मीठे वचन में गरीबी करने की जरूरत नहीं है। कठिन शब्दों को देखते हैं, प्रिय वाक्य मधुर वचन, तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, जन्तवः प्राणी दरिद्रता गरीबी। अगला श्लोक है, दुष्टा भार्या शठम मित्रम भृत्योत्तरदायकः ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। दुष्टा भार्या दुराचारिणी पत्नी, शठम मित्रम सठ छल कपट करने वाला मित्र, भृत्यः च उत्तरदायकः, ये तीन अलग अलग शब्द है, भृत्यः च उत्तरदायकः है ना, तो भृत्यः च उत्तरदायकः, भृत्य माने नौकर, च माने और, उत्तरदायकः माने मुंह पर जवाब देने वाला नौकर, ससर्पे च और सर्प का वासः निवास, गृहे घर में, मृत्यु एव, मृत्यु माने मरण, एव ही न नहीं संशय, संशय अभी एक एक शब्दों का अर्थ देखें, अब इसके भाव को देखें। आचार्य कह रहे हैं कि यदि दुराचारिणी स्त्री है और छल कपट करने वाले मित्र हैं, भृत्य नौकर यदि अपने मालिक को उसके मुंह के सामने जवाब देने वाला उल्टा बोलने वाला नौकर है और सर्प का गृह में वास है, सांप का घर में यदि वास है, तब मृत्यु निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसकी पत्नी यदि दुराचारिणी है, छल कपट करने वाले मित्र है और मुंह पे जवाब देने वाला नौकर है, अर्थात नौकर यदि अपने मालिक का सम्मान नहीं करता है और हम ऐसे मित्र रखे हैं जो हमसे ही छल कपट करने वाला है, और स्त्री यदि अच्छे आचरण वाली नहीं है और सर्प का यदि घर में वास है, तो मरण निश्चित ही है। शब्दार्थ देखते हैं, भृत्यस्य उत्तरदायकः, भृत्यः च, इन दोनों शब्दों को यदि मिलाते हैं तो भृत्यश्च यहाँ पे विसर्ग संधि है और भृत्यश्च उत्तरदायकः, जब इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे गुण स्वर संधि है, यहाँ दो संधि है और इसका अर्थ होता है जवाब देने वाले नौकर। दुष्टा भार्या दुराचारिणी स्त्री, चठम मित्रम दुष्ट मित्र छल कपट करने वाला मित्र, ससर्पे ससर्पे सर्पयुक्त। अगला श्लोक देखते हैं, यह अंतिम श्लोक है, इसका गायन अलग से होता है, तो आप इस श्लोक के गायन को ध्यान से सुनिए और गाने का प्रयास करिएगा। मूलं भुजंगै शिखरं प्लवंगै शाखा विहंगै कुसुमानि भृंगै आसेव्यते दुष्ट जनै समस्तै न चंदनं मुञ्चति शीतलत्वम्। मूलं जड़ भुजंगै सा, शिखरम शिखर में, प्लवंगई वानर, शाखा डालियों में, विहंगई पक्षियां, कुसुमानी पुष्पों पर फूलों पर, भृंगई भौरे आसेव्यते सेवित किया जाता, दुष्ट जनई समस्तई समस्त दुष्ट जनों के द्वारा, न नहीं चंदनम चंदन, मुंचति छोड़ता है त्याग करता है, शीतलत्वम शीतलता को। तो बच्चों आपने अभी एक एक शब्दों का अर्थ देखा, अब इसके भाव को देखते हैं। चंदनम न मुंचति शीतलत्वम, चंदन के वृक्ष के बारे में ये बताया गया है, चलिए देखते हैं। मूलम भुजंगई चंदन के पेड़ के जड़ में, चंदन के पेड़ के जड़ में सांप रहते हैं, शिखरम उसके शिखर में
पेड़ के ऊपर प्लवंगई वानर रहते हैं, शाखा डालियों में पक्षी रहते हैं, कुसुमानी फूलों पर, इस चंदन के पेड़ के फूलों पर भौरे रहते हैं। आसेव्यते माने सेवन किया जाता है, इन सब का सेवन किया जाता है। चंदन के पेड़ के जड़ का सेवन साफ करते हैं, चंदन के पेड़ के शिखर का सेवन उपयोग, सेवन का तात्पर्य उपयोग बंदर करते हैं, शाखाओं का उपयोग पक्षी करते हैं, पुष्पों का उपयोग भौरे करते हैं। और कहीं न कहीं यहाँ दुष्ट जनई का तात्पर्य सज्जन दुर्जन से नहीं है, यहाँ दुष्ट जनई का तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार के विभिन्न भिन्न प्रवृत्ति वाले, जैसे सर्प कितना विषैला होता है ना, बंदर वानर जो है बंदर, ये इसकी भी प्रवृत्ति बहुत भिन्न होती है। तो भिन्न भिन्न प्रवृत्ति वाले प्राणियों के द्वारा सेवन किए जाने के बाद भी चंदनम, चंदन का जो वृक्ष होता है, न मुंचती नहीं छोड़ता, मुंचती का मतलब है छोड़ना, और न मुंचती नहीं छोड़ता, शीतलत्वम अपनी शीतलता को त्यागता नहीं है। अर्थात यहां जो भाव है ये क्या कह रहा है कि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष का सेवन अलग अलग प्रवृत्ति के प्राणियों द्वारा किया जाता है, फिर भी चंदन का वृक्ष अपने मूल प्रवृत्ति शीतलता को नहीं त्यागता है, उसी प्रकार से हम मनुष्यों को भी विभिन्न प्रवृत्ति वाले प्राणियों से, विभिन्न प्रवृत्ति वाले मनुष्यों से मिलने के बावजूद भी, उनसे संपर्क होने के बाद भी अपनी मूल प्रवृत्ति का त्याग नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार सर्प बंदर पक्षी भौरे आदि के द्वारा सेवन किए जाने के बाद भी चंदन अपने शीतलत्व को नहीं त्यागता, वैसे ही हमें अपनी प्रवृत्ति को, अपने मूल स्वभाव को नहीं त्यागना चाहिए। शब्दार्थ देखते हैं, मूलम जड़, प्लवंगई बंदरों से, भुजंगई सर्पों से, शाखा डाल, शिखरम चोटी, विहंगई पक्षियों से, भृंगई भ्रमरों से, भौरों से, आसेव्यते सेवित होता है, दुष्ट जनई दुष्ट जनों से, मुंचति छोड़ता है, शीतलत्वम शीतलता को। बच्चों आपके लिए कुछ गृह कार्य है कि निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में व्याख्या कीजिए। आपके सामने एक श्लोक दिख रहा है, इस श्लोक की व्याख्या आपको हिंदी भाषा में करनी है। श्लोक को मैं एक बार पढ़ देता हूँ। कामम क्रोधम तथा लोभम स्वाद श्रृंगार कौतुके अति निद्रामति सेवाम च विद्यार्थी यष्ट वर्जये। दूसरा प्रश्न है, नीति नवनीतम पाठ से कोई दो श्लोक स्मरण कीजिए। श्लोकों को स्मरण करना चाहिए, श्लोक का स्मरण करने से वो श्लोक हमें पग पग पर जीवन जीने की कला सिखाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा यह पाठ आज समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि यह पाठ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और इसमें जो नीति के नैतिकता से संबंधित जो बात बताई गई है, कर्तव्य कर्तव्य क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बात आप अपने जीवन में उतारेंगे और इन श्लोकों के माध्यम से अपने जीवन को सुखमय और आनंद पूर्वक व्यतीत करेंगे। तो हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। नमो नमः।